हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई एडमिट कार्ड 2024 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 अगस्त से आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और 22 अगस्त से आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। कैसे डाउनलोड करना है मैंने वीडियो में सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, स्किल इंडिया डिजिटल हब के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट वहाँ से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉग इन करने के लिए यहाँ एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप आईटीआई ट्रेनी सेकेंड ईयर ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके लॉगिन कर लेंगे और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ लर्नर एंड पार्टिसिपेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। मोबाइल नंबर वही इंटर करना है जो आप आईटीआई में रजिस्टर किए हुए हैं, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप स्किल इंडिया के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे थे, वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर करके लॉगिन कर लीजिएगा। पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट कर देना है। पासवर्ड इंटर करके नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका स्किल इंडिया पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स ऑन लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट, डाउनलोड CVT हॉल टिकट, CVT पे पेमेंट, ये सब का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक हियर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक 3 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक डैशबोर्ड का, एक CVT फीस का। तो आपको CVT फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। CVT फीस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फीस से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपका शो होने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जूम करके देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन का, यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट का ऑप्शन आ गया है। डाउनलोड प्रैक्टिकल हॉल टिकट पर क्लिक करके आप अपना प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपना प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, किस सेंटर पे एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग क्या रहेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।